अभी फिलहाल दीवा में हूँ और खोपली के ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ। मैंने टिकट वगैरह ले लिया है तो बस अभी ट्रेन के लिए वेट ही करता हूँ। फाइनली मैं खोपली में आ चुका हूँ। जस्ट अभी स्टेशन से ही तो कि मैं थोड़ा आगे आया हूँ। अभी मुझे लगा है भूख, देखता हूँ कुछ खाने के लिए। आगे होटल है क्या? आगे होटल है। वो आगे साइड में। इधर नहीं। गगनगिरी महाराज का जो वो उधर गगन। उधर नहीं वहाँ मैं नहीं वहाँ। इधर है गगनगिरी। यहाँ से रोड है ना गगनगिरी महाराज का? है ना? यहाँ पर भी एक मंदिर है। फाइनली मैं मंदिर पे पहुँच गया। गगनगिरी महाराज मठ बोलते हैं सर। अभी मैं मंदिर में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पर अभी हम श्री गजानन महाराज जी की पेंटिंग है। पेंटिंग एकदम रियल लग रहा है। यहाँ पर एकदम शांति है। अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो आप एकदम शांत फील करोगे और आपको कुछ टेंशन होगा या कुछ भी आपका टेंशन होगा तो सब दूर हो जाएगा यहाँ पर आके। बारिश के टाइम में यहाँ पर आओगे तो ये सब भरा हुआ रहता है। ये जितना जो पत्थर वगैरह दिख रहा है ये पूरा यहाँ तक पानी आता है बारिश में। अभी फिलहाल जितना मतलब पानी पूरा सूख गया। लॉकडाउन से पहले शायद अभी मुझे यहाँ पर आके एक साल हो गया होगा। अभी एक साल से भी ज़्यादा शायद से।
जैसे आज अनाउंस हुआ कि पब्लिक के लिए ट्रेन चालू हो गया, तो वैसे ही मैंने सबसे फर्स्ट दिन का 5:33 का दिवस से मैंने ट्रेन पकड़ा था, 5:33 का। ये सब मछली है, जाके पैर पढ़ के आया तो वहाँ से मुझे प्रसाद वगैरह दिया और दो कुछ पूरी दिया है, अभी उसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, तो घर जाके ओपन कर दूँगा। बायोगैस से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, शायद से गौशाला भी है। वाह ये गौशाला है ना, खाने के लिए भी नहीं है। वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके।
मैंने चप्पल तो अपना घर पे वहाँ पर गेट पे रखा था, तो अभी ऐसे ही चल रहा हूँ। आदत नहीं है तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, बट ठीक है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना कि मेरा जो ब्लॉग है वो कैसा रहा, कहाँ पर कुछ गलती हुई होगी तो मुझे बता देना, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे बात थोड़ा सा मुझे गाइड कर देना। तो अभी आगे बढ़ते देखते क्या क्या है आगे। सुबह जब मैं देखा था यहाँ पर इतना कुछ पानी नहीं था, बट अभी यहाँ पर बहुत सारा पानी था। श्री गणेश जी है और महादेव जी और पार्वती। अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अंदर महादेव जी के नेत्र
अंदर में जो पिंड है महादेव जी का जो शिवलिंग है वहाँ पर जो भी दूध वगैरह डाल रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से पानी का स्रोत आ रहा है। वहां से भी एंट्री है शायद। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई वहाँ पर आके बैठा है, मैं भी देखता हूँ वहाँ पे जाकर। तो फाइनली आ गया मैं यहाँ पर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर था। वो साइड में वाटर बहुत अच्छा क्लीन था, ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है बट वहाँ पे अच्छा हुआ पानी था, पूरा क्लीन था। चलो अभी जा। अभी मैं स्टेशन पे आ गया और अभी जो गाड़ी का टाइमिंग है अभी